हेलो स्टूडेंट्स, आपको मैं अपने इस चैनल के माध्यम से कक्षा 8, 9 और 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स हिंदी में पढ़ाऊंगा। इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 8 अध्याय 2 अध्याय का नाम एक चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 204 प्रश्न 2। इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 1 मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आ रहे लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का भी बटन दबा दें ताकि मैं अपनी जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं जाता, ये फ्री होता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी हो जाती है। संख्याएँ ज्ञात कीजिए। जो दो संख्याएं दी गई हैं इन्हें हमें ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें कह रहे हैं पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है, ठीक है। अगर हम दूसरी संख्या को x मान लें तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या की 5 गुनी, यानी x की 5 गुनी 5x, ठीक। इसके बाद क्या कह रहे हैं, ऐसा करने के बाद प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ना है, यानी एक्स में 21 जोड़ेंगे और 5x में 21 जोड़ेंगे। फिर दोनों की तुलना करेंगे तो पता चलेगा पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, ठीक है। तो चलिए हम दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं, एक्स। माना दूसरी संख्या बराबर एक्स, ठीक है बच्चों। दूसरी संख्या एक्स है तो पहली संख्या क्या हो जाती है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी, यानी 5 गुणा x। इन दोनों की हम गुणा कर सकते हैं तो ये हो जाता है 5x। अचर और चर, चर या अचर, हम दोनों की ही गुणा कर सकते हैं। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार तो बच्चों प्रश्नानुसार क्या होता है, प्रश्न में दी गई शर्त के अनुसार। और प्रश्न में शर्त क्या दी है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों में अगर हम 21 जोड़ देते हैं, ठीक है। चलो पहले जोड़ देते हैं, पहली संख्या 5x, इसमें हम 21 जोड़ दें, ठीक है। अब दूसरी संख्या x है, इसमें भी हम 21 जोड़ दें, ठीक है। पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों में 21 21 जोड़ देते हैं तो पहली संख्या यानी ये वाली संख्या इस वाली संख्या की 2 गुनी हो जाती है। तो इनको बराबर करने के लिए हमें क्या करना है, बराबर का चिन्ह लगाएं, ठीक है। अभी तो ये दोनों बराबर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये 2 गुनी है इससे, तो इसको भी हम 2 से गुणा कर दें तब ये दोनों बराबर हो जाती हैं, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 5x + 21। 5x और 21 को हम नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये चर हैं और ये अचर हैं, बराबर। जैसे ही हम ब्रैकेट हटाएंगे 2 क्या करेगा, x को गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है। 2 की और x की हम गुणा कर सकते हैं क्योंकि चर और अचर की गुणा हो सकती है। ये प्लस लगाएं और 2 से 21 की गुणा करें तो हो जाता है 42। अब x और x को एक साइड में कर लें, ठीक है। तो 5x ये वाला उतारा, अब इस वाले 2x को बराबर से इधर लाना है, ठीक है। तो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, जब ये इधर आता है तो माइनस का हो जाएगा, ठीक। यानी जब भी कोई हम प्लस या माइनस की संख्या को साइड चेंज कराते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो प्लस का 2x माइनस का 2x हो जाएगा और यहाँ बचेगा हमारा 42, और ये प्लस के 21 जब इधर जाएंगे तो माइनस के 21 हो जाएंगे। 5x में से 2x को हम घटा सकते हैं तो हमें प्राप्त होगा 3x बराबर 42 में से 21 घटाएंगे तो प्राप्त होता है 21, ठीक है बच्चों। अब इधर 3 और बचे हैं, ये भी एक संख्या, तो इसे भी इस संख्या की तरफ ले जाना है, ठीक है। तो x और इसके बीच में क्या चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं, तो यहाँ गुणा का चिन्ह है, ठीक है। तो x बराबर 21, और गुणा की संख्या जब साइड चेंज करती है तो बटे में जाती है। बच्चों जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता है वहाँ पर गुणा का चिन्ह होता है, और गुणा की संख्या जब साइड चेंज करती है तो बटे में जाती है। 3 से हम 21 को भाग देंगे, हमें 7 भागफल प्राप्त होगा और यही हमारा क्या होगा, x का मान। तो x बराबर हमें प्राप्त हो जाता है 7, और हमने x किसे माना था, दूसरी संख्या को। तो हम लिखेंगे अतः दूसरी संख्या बराबर x बराबर 7, और पहली संख्या कितनी है, इसकी 5 गुनी यानी 5x है, तो बराबर 5 गुणा x का मान 7 बराबर 35, सॉरी 5x, और 5 के 5 रखे, x का मान 7 रखा, दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह, 5 7 35, ठीक है। पहली संख्या और दूसरी संख्या, ठीक है, दोनों ही हमारी आ गई हैं, तो यही हमारा उत्तर है।
मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।